अगर फूल गए तो सारे पैसे मेरे हैं। अब सुनो, अगर मैं आपके साथ 12 बजे तक काम करूं, दिहाड़ी दोगे मेरे को? और आप बोलोगे भाई आज ये बंदा इतनी जल्दी, मतलब मैं खुद को बोल रहा हूँ ये बंदा इतनी जल्दी कैसे उठ गया भाई। आज ट्यूजडे, आपको पता है हमने धीरे धीरे करके सोचा था कि जल्दी जल्दी जाना शुरू करेंगे, भाई आज पता नहीं कैसे नींद खुली। सुबह के बज रहे 8:30, मंदिर जा रहे हैं, आज की दिन की शुरुआत मंदिर से होगी भाई। क्या धूप, और मतलब सुबह सुबह की जो फ्रेशनेस है ना भाई, वो अलग ही है, नेक्स्ट लेवल है। और ये वो भाई कबूतर आ गए हैं खाना खाने। जियो वालों से निवेदन है कि भाई ये जियो की फाइबर लगाते हैं तो ये फाइबर वापस भी ले जा ले, इतना बजट मत हिलाएं जियो का। भाई बहुत ही ज्यादा शानदार दर्शन के बाद निकल रहे हैं भाई घर। अब खाएंगे जाके ब्रेकफास्ट। मजा आ गया, पूरा खाली मंदिर, 2-3 जने, शरीर एकदम रिलैक्स हो गया भाई। सुबह आने का यही फायदा है कि अपना टाइम लेके बैठे रहो, 15-20 मिनट जितना मन करे आपको। अब चलते हैं घर। हाँ जी, तो भाई घर पहुंच गए, और भाई क्या ही बताऊं, आज मतलब दिल खुश है भाई। और आज पता नहीं भाई कितने जमाने बाद, करीबन इस साल तो मैंने अभी तक दिखाया नहीं है, ब्रंच ही दिखाता हूँ अक्सर। जब मैंने व्लॉगिंग शुरू करी थी तो मैं डेली अपना ब्रेकफास्ट दिखाता था, और ब्रेकफास्ट में भी एक चीज डेली दिखाता था, वो होते थे पराठे। भाई आलू का पराठा बनवा दिया मम्मी से भाई आज, और शुरुआत करते हैं आज आलू के पराठे से। दही तोड़ के खाएंगे आज, आज मतलब स्वाद आ जाएगा। आप लोग ने क्या खाया ब्रेकफास्ट में मेरे को जरूर बताना। दिल खुश तो सब खुश, मजा आ गया। ब्रेकफास्ट करते हैं फटफट से। जिस हिसाब से धूप आ रही है ना पापा को बोल रहा हूँ भाई, तो लग रहा है पूरी गर्मी आ चुकी है भाई। बाहर निकलने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा, पर तभी भी हिम्मत रख के मैंने अपनी साइकिल को देख लो कितना चमका है। कोई बोल सकता है ये 3 साल पुरानी साइकिल है? जो कमेंट सेक्शन में बोलेगा वो पैसे दे दे, नहीं ले लूंगा। कोई दिक्कत आ रही है क्या? दिक्कत नहीं आ रही है भाई, पर मजाक की बात नहीं, बता दो भाई ऐसी पॉलिश मारी ना जिसे रगड़ा थोड़ी देर पहले, फिर रेस्ट करा। ओह माय गॉड, ये गंदगी अभी तो धोई थी ये 1 हफ्ते पहले, होली का गुलाल भी लगा हुआ है उस दिन वाला। पर ठीक है भाई, इसको एक बार कपड़ा मार देंगे। क्या हालचाल? ये क्या सिस्टम हो गया है, बारिश आने वाली है भाई, मौसम देख लो आप। मेरे को मौसम विभाग में ही नौकरी दिला दो, दिन भर तो मैं मौसम ही देखते रहता हूँ भाई। देहरादून है ही इतनी सुंदर जगह, ये देखो आप एक बार ही देख लो। मतलब वैसे मैं बोलूंगा कि आप अपनी छत में आगे देखो, अगर आप देहरादून से नहीं देख रहे हो तो, अगर आप देहरादून से देख रहे हो तो। भाई क्या ठंडी हवा चल रही है, एक बार छत में चले ही जाते हैं फिर तो, मतलब ना। ₹5 ओवर एक्टिंग के कटने चाहिए, पर तभी भी ठीक है, पर कूनी लगी चुम्बेश्वरी। वो देखो बाथ टब हो गया, नाली वाली है, प्राइवेसी छेड़ दूं इसकी, देखो भागेगा वो। चल 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 चल, नहा के डुबकी। चल चल बेटे, हाँ शाबाश। निकल गया भाई, ठंडी हवा आ रही है भाई, नहा लिया यार, नहाते हुए डिस्टर्ब कर दिया उसको। क्या मस्त हवा आ रही है भाई, लो फिर सिनेमैटिक एंजॉय करो। होली से धीमे से मुझको बाहों में भर लो ना तुम, नरम सी सांसों में। भाई ऊपर से सिनेमैटिक लेके आए और ऐसी नींद आई, क्योंकि जल्दी उठ जाओ, ऐसी नींद आ रही भाई कि पूछो मत भाई, मस्त सोया। रिकवरी पूरी हो गई, मंदिर सुबह ही चले गए तो अब सीधे जिम जाएंगे भाई। भाई ऑल सेट फॉर जिम, मारते पता नहीं क्या मारेंगे यार, शोल्डर साथ नहीं दे रहा, पर कोई दिक्कत नहीं। अब तेरे बिना यहाँ मेरी सांसें जैसे बिना नींद आके रातें। चलो
आइसक्रीम की पार्टी आज है, सबसे होनहार लड़का हमारे जिम का लूट लिया भाई इन लोगों ने मेरे को। अबे बताओ, हम नहीं खिला रहे जैसे 10 दिन से हमने खिला खिला के एक दिन खिला ले, ये क्या काम आता है? क्या है तू बेरोजगार है? रिच मैन ऑफ द यूनिवर्स है तू भाई, आइसक्रीम डिसाइड कर लो, नींद नहीं आ, नींद आ रही अभी तक भाई। तो बजट तो बना दो, 100 रुपए बजट बोल रहे वो 40 40 40 तो होता 120 हो गया। 20 रुपए तेरे पास है? 20 रुपए हैं तेरे पास? नहीं मेरे पास नहीं भाई। तुम कितने गरीब हो यार भाई? हम बहुत गरीब हैं भाई, होंगे दे नहीं रहे भाई। जस्ट मैन ऑफ द यूनिवर्स क्या कर रहा है? तूने पैसे निकाले हो? 20 रुपए तो निकाल ले, नहीं है निकाल दे 20 रुपए 20 20 वाली खा लेते 3 दे आगे लाइन पे। अबे 20 रुपए निकाल, 40 वाली खाएंगे सारे भाई। चलो निकालो यार 20 यार भाई क्यों दूर हो गए? अबे 20 निकालने में कुछ भी नहीं देता। अच्छा इमोशनल डैमेज करो लड़कों को तब तक नहीं मानते। कितना है तू तो साले 1-1 रुपए चिल्लर निकालता है, पता नहीं गुल्लक की जगह इसमें डालता है क्या तू? भैया आपको कैसा लगता है जब हम आपके पास आते हैं, मजा आता है? भैया ने पान इतना रखा हुआ, भैया कुछ बोल नहीं रहे यार। 10-11 बोल दो यार कुछ, कुछ भी बोल दो। आप सुनो, अगर मैं आपके साथ 12 बजे तक काम करूं, 6-7-8-9 दिहाड़ी दोगे मेरे को? 12-13 7 रुपए का। अच्छा 7 रुपए का मैं, 7 रुपए तो छोड़ दो कम से कम, कल दे देंगे। हाँ बढ़िया, चलो ले लो 40-40। चलो 40 वाली आ गई, 40-40 वाली आ गई, 7 रुपए कम हो गए। मैंने क्या बोला भैया को? ओए मैंने बोला मेरे को दिहाड़ी में रख लो 12 बजे तक रात की, 7 रुपए तो मैं दे ही लेंगे, क्या बोलता है? चलो चलो आइसक्रीम खाएंगे अब, भैया का दिमाग खाऊंगा और क्या खाऊंगा। 40 वाली कौन सी ले रहे हो? देख तो लो सिल्लू बार, और कोई नहीं है। ये गल्ला है, इसमें पैसे रखे हुए? पैसे रखे हुए इस गल्ले में? इधर आ दे, रखे होंगे आपको। पागल है क्या? भैया मना कर रहे, तू कैसे बोल सकता है? अगर खुल गए तो सारे पैसे मेरे हैं। भैया ने हाँ बोल दिया, भैया कह रहे मैं तो जीपे देता हूं। ओ अंडे रखे हैं इसमें तो भैया ने बॉइल। भाई आ गई आइसक्रीम आ गई, जुल्लू बार खा लेते हैं। जुल्लू बार सर पे मार दो, इसकी बात है ऐसी है जैसे घरे की लाते हैं। क्या कर रहा तू? आइसक्रीम से भाप निकलते हुए देख रहा? चलो भाई आइसक्रीम खा ली, ब्रेक हो गया, आप चलेंगे घर। एक ने उस कोने में खड़ी करी, एक ने उस कोने में खड़ी करी। चलो भाई 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 घर आ गए, डिनर हो गया मस्त एकदम खाया। और ये देखो 1-to-1 टॉक चल रही है आज, हमारी गहरी बातचीत है जिसमें हमने कुछ बातचीत नहीं करी। मम्मी अपने फोन में लगी रही और मैं अपने फोन में लगा रहा। 10 घंटे मम्मी का स्क्रीन ऑन टाइम है भाई। खाना खाया, खाने में थी आलू बड़ी, अपना सादा खाना इज द बेस्ट खाना। वो गाइस क्या ही दिन था भाई, जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई आज सुबह सुबह मंदिर गए। ओहो क्या मजा है, मतलब जल्दी उठने का भी एक अलग ही मजा है, पर अपना शेड्यूल थोड़ा लेट हो जाता है, 3-4 बज जाते रात को तो जल्दी उठा नहीं जाता, पर कोशिश है कि अपन लोग जल्दी उठे भाई, क्योंकि जल्दी उठने से ना बहुत ज्यादा फायदे है और ये सबको पता ही है। बाकी वहीं आके बैठ गए जहां पे वीडियो पॉइंट करते हैं। जाने से पहले बहुत ही ज्यादा बेहतरीन शब्द बोल देता हूं कि भाई पेशेंस रखिए, सिर्फ इस चीज के लिए नहीं बोल रहा हूं कि सक्सेस के लिए पेशेंस, हर चीज के लिए भाई। मतलब किसी को गुस्सा आता है उसको भी पेशेंस रखना पड़ेगा, और किसी को ज्यादा ही मस्ती जाती है उसको भी पेशेंस रखने का पड़ेगा। कहीं माहौल बड़ा सीरियस और वहां पे पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और पेशेंस का एक ही इलाज है मैंने सुना है, आज ही सुन रहा था, मेडिटेशन। तो भाई आप भी मेडिटेशन करो, मैं भी करता हूं, देखते हैं कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ेगा ही ना भाई, मेडिटेशन का फर्क पड़ता ही पड़ता है। बाकी कल बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व्लॉग आने वाला है, चुम्बेश्वरी वाला, मतलब मजा आ जाएगा। तो कल मिलते हैं बहुत ही ज्यादा बेहतरीन व्लॉग के साथ, इतना ज्यादा बड़ा बोलता है, बाय बाय, लव यू ऑल, वाच लाइक दिस, टेक केयर भाई, ख्याल रखो। सुन जरा मेरे पास अब बैठे हैं हम भी यहां दिल के दर्द।